योर फ्रेंड और गाइड। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, व्हाट वी रियली नीड टू नो अबाउट द बीएड प्रिपरेशन। आप बोल तो बीएड की प्रिपरेशन करनी है, सो इट्स ऑल अबाउट द सेट दैट वी हैव बीन ट्राइंग वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। अब कई सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट आए हैं जो कह रहे हैं सर आप प्लीज ऐसा कीजिए, बताइए कि बीएड की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और सर बीएड की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी बुक प्रेफर करें जिससे कि हमें बेनिफिट मिल जाए पेपर को क्रैक करने का एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट। जी हाँ, बी एड क्रैक करनी है आपको, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, रियली व्हाट यू रियली नीड टू नो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द बी एड प्रिपरेशन। जी हाँ, बी एड एंट्रेंस की बात कर रहे हैं हम, तो हमने कहा यहाँ पे बी एड एंट्रेंस की बात करते हैं। सर आपका चैनल हमने सुना लोगों से, उसमें देखा तो हमें बी एड एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए कुछ ज़्यादा मेटेरियल नहीं मिला, तो यहाँ पे वीडियो उन लोगों के लिए जो बीएड की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जान पाएं कि बीएड एक्चुअली है क्या। तो बीएड एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो कि एक स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट हो चुका है डेफिनेटली वो करता है। जी हाँ, जो ग्रेजुएट हो चुका है, जिसने कम से कम 50% स्कोर किया है अपनी ग्रेजुएशन में, वो इस बीएड के लिए प्रिपरेशन करता है। जी हाँ, इस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो कि एक टीचर बनने के लिए एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स या आपको सबसे कंपलसरी कोर्स है जो करना जरूरी है। तो अब आपने कहा सर इसका पैटर्न क्या होता है, वी रियली नीड टू नो द पैटर्न ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज कंप्लीटली एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। जी हाँ, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसे हमें वर्कआउट करना है। आपने कहा सर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, तो हमने सबसे पहले बात की एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव इन नेचर। दैट्स ट्रू, इट बी ऑब्जेक्टिव नेचर, सबसे पहली चीज दिमाग में आती जाती है सर ये ऑब्जेक्टिव नेचर होगा, इसमें कोई राय नहीं। सर इसमें लैंग्वेजेस कितनी होती है, फ्रेंकली सर लैंग्वेजेस कितनी लैंग्वेज में आता है, तो लैंग्वेजेस क्या हम जाने, तो सर इट्स इन टू लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। जी हाँ, आपको जो मिलेगा इसमें आप लोगों लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में होता है हमारा कोर्स। हमने बोला सर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, देन वी नीड टू वर्क इट आउट सर ये सेट एक्चुअली क्या चीज है, किसको बोलते हैं सर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कुछ ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आजकल, लोग सेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं। ये सेट नहीं है, इट्स सेट, सेट स्टेट एंट्रेंस टेस्ट है बेसिकली, वो अलग चीज है, आपको यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेट है, तो दैट्स अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब आपने कहा सर इसके लिए हमें प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए, एक्चुअली सर ये होता कब है, मोस्ट प्रॉब्ली मई और जून के पीरियड में ये टेस्ट हुआ करता है। अब इसको क्लियर कर लेंगे, मई और जून में पीरियड टेस्ट होता है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो थ्रू आउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को चेक करेंगे आप, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ऑनलाइन फॉर्म भरती हैं, आप इसके फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अब बात आ गई हमारे पास सर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कैंडिडेट रियली मस्ट हैव द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। जी हाँ, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और द पोस्ट ग्रेजुएट पीपल कैन फिल दिस फॉर्म टू, दोज यू आर नॉट स्कोर 50% इन द ग्रेजुएशन, इफ दे आर हैविंग 50% इन द पोस्ट ग्रेजुएशन दे कैन फिल दिस फॉर्म टू। जी हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सर, एडमिशन का प्रोसीजर पता लग गया सर, कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये पता लग गया, कैंडिडेट्स को क्या क्या चाहिए, तो यहाँ क्लियर कर दें, इस केस में हमारे पास कैंडिडेट से रिक्वायर्ड होती है टू इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, ये किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ाने का, याद रखेंगे आप टू इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इज द फुल टाइम सर्विस इन रिप्यूटेड कॉलेज और द स्कूल। हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया दोबारा सर, एक रेप्यूटेड स्कूल की बात की गई, दो साल फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस है ये जो टीचर को वहां दिखाना पड़ता है। देन जंप अप टू द एग्जामिनेशन पैटर्न सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अब आया, दैट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न सर, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है, दैट आई एम रियली हियर टू टॉक टू यू। आपने कहा सर एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ दिस पेपर, अब जब भी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात होती है तो आपको दिमाग में रखना है कि एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर दी है तो हम तीन पार्ट की बात करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जी हाँ, द पार्ट ए प्रेफरली सेज, आप बोलते हो पार्ट ए गोज विद इंग्लिश। जी हाँ, पार्ट ए गोज विद इंग्लिश, आप बोलते हो इट्स ऑल अबाउट द जनरल इंग्लिश, इट्स ऑल अबाउट जनरल इंग्लिश, आपने बोला सर पार्ट ए वी नीड टू वर्क आउट दिस,
पार्ट ए रेफरी वर्कआउट करता है जनरल इंग्लिश के लिए, जो कि 25 मार्क्स का होगा हमारा, और 25 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। वी आर हैविंग 25 क्वेश्चन इन दिस पार्ट। ये आप लोग प्लीज ध्यान रखेंगे, इसमें एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा पूरा। हमें 25 नंबर मिलेंगे जनरल इंग्लिश से। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए वाइल टॉकिंग बी एड एंट्रेंस टेस्ट 2। तो आपने कहा 25 नंबर सिर्फ पार्ट ए से थे, जिसमें हमारे पास जनरल इंग्लिश से पूरा पेपर आएगा। इसका पूरा कोर्स कंटेंट के लिए मैं आपको वीडियो दूंगा, जिसमें बताऊंगा जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आपको करने, कैसे आप इजीली वर्कआउट कर पाओगे, एंड देन आई टेल यू विच बुक्स आर बेस्ट टू वर्कआउट दिस। जी हाँ, इस पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी मार्केट में बेस्ट बुक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप उनको लेके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। देन जंप अप टू द पार्ट टू। आपने कहा सर पार्ट टू 15, जी हाँ 15 और 10 दो पार्ट्स में होगा। एक्चुअली दोबारा से 25 नंबर का होगा पार्ट बी, जिसको हम बोलेंगे सर इट्स ऑल अबाउट द जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। आई रिपीट, पार्ट बी सर दो पार्ट्स में हो जाएगा, इट्स ऑल जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। सर यहाँ पे आपके 15 मार्क्स आएंगे जनरल नॉलेज से, जिसमें 15 ही क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसमें 10 ही क्वेश्चन होंगे आपके। ये आपको ध्यान रखना है, यू नीड टू वर्कआउट दिस इन अ क्लियर मैनर। आपने कहा सर पार्ट ए जैसा आपने बताया कि जनरल इंग्लिश से पेपर होगा, और जनरल इंग्लिश में हमें क्या करना होगा, हमें 25 क्वेश्चन वर्कआउट करने होंगे जो कि 25 मार्क्स से होंगे। पार्ट बी दोबारा से 25 नंबर का पार्ट बी है, जिसके अंदर दो पार्ट्स किए जाएंगे। पहला पार्ट होगा पूरी तरह से जनरल नॉलेज के लिए, जी हाँ द फर्स्ट पार्ट गोज विद द जनरल नॉलेज एंड द अदर पार्ट गोज विद टीचिंग एप्टीट्यूड। जी हाँ इट्स गोज विद द टीचिंग एप्टीट्यूड। आपने कहा टीचिंग एप्टीट्यूड, सर दिस टीचिंग एप्टीट्यूड कंटेन 10 क्वेश्चंस ऑफ वन ईच, वेयर एज द जनरल नॉलेज कंटेन्स 15 क्वेश्चन ऑफ वन ईच। तो यहाँ पे हमारे 25 और 25 50 नंबर कंप्लीट हुए, हमने कहा बी एड एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। जी हाँ वेलकम टू द थर्ड पार्ट। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको वर्कआउट करना है, क्योंकि ये पार्ट 100 मार्क्स का है। जी हाँ वी आर गोइंग टू हैव 100 क्वेश्चन इन दिस पार्ट। आपने कहा सर पार्ट थर्ड, पार्ट सी इट्स ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। आपने कहा 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। सर ये कहाँ से होंगे, ये होंगे आपके सब्जेक्ट से। जी हाँ जो भी टॉपिक आपने चुना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट चूज किया होगा आपने। आपने कहा सर सब्जेक्ट पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ, आप प्लीज यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, इट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट पेपर। आपने कहा सर व्हाट डज मीन बाय द सब्जेक्ट पेपर, हाउ कैन वी रूल इट आउट। तो सब्जेक्ट पेपर आपके कौन कौन से हो सकते हैं प्लीज राइट डाउन, ताकि हम ईजी वर्कआउट कर पाए यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर को इन डिटेल स्टडी करना। आपने दिस स्टार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, जी हाँ मैथ से शुरू होता है। अगर मैथ से है तो आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे मैथ से, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे। हर ऑप्शन में चार ऑप्शंस होंगे आपके पास, यू आर गोइंग टू हैव 4 ऑप्शन फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो स्टार्ट विद मैथमेटिक्स, देन फिजिकल साइंस, जी हाँ फिजिकल साइंस, एंड देन फिजिक्स, एंड देन वी आर हैविंग द केमिस्ट्री। तो आपने बोला मैथ्स की, आपने फिजिकल साइंस की बात की, आपने फिजिक्स की बात की, जी हाँ फिजिक्स, एंड देन विल कम अप टू केमिस्ट्री, एंड देन कम ऑन टू द बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमने साइंस के सारे सब्जेक्ट्स को वर्कआउट किया, वहां पे मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर लेंगे, कोई भी एक टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज करेंगे जिसको रूल आउट करेंगे। देन कम आउट टू बॉटनी एंड जियोलॉजी। जी हाँ साइंस अभी चली रही है, जैसे ही जियोलॉजी खत्म होता है बॉटनी एंड जियोलॉजी, एंड देन विल कम टू द सोशल साइंस। जी हाँ विल कम अपू द कॉमर्स से जंप करके सीधा ह्यूमैनिटीज पे आए, हमने कॉमर्स को स्किप किया यहाँ पे।
तो आपने कहा सर सीधा साइंस से स्किप करके हम क्या ह्यूमैनिटीज पे, जहाँ पे आप सोशल साइंस के लिए, देन यू कम टू ज्योग्राफी। जी हाँ, ज्योग्राफी वही पैटर्न रहेगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला। यू नीड टू वर्क आउट द 100 क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो आपने कहा वहाँ पे। आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, चार ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढनी होगी। देन यू कम टू द सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड एट लास्ट फाइनली ओवर इंग्लिश। जी हाँ, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स जिनको आपको प्रिपेयर करना है फॉर एग्जामिनेशन। तो ये थी हमारी पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन। जी हाँ, पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन। सर अभी तक आपने ये तो बताया नहीं दैट हाउ शुड वी प्रिपेयर। ये तो सर पैटर्न हो गया, आप पेपर कैसा आएगा, अब हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप दिमाग में रखेंगे 1, 2, 3 पॉइंट्स। जी हाँ, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी रियली नीड टू हैव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंसेस इज टू वर्क आउट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप लेंगे, मार्केट में अवेलेबल हैं, नहीं तो गूगल कीजिए, सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। आपने वहां से सारे के सारे लास्ट पेपर्स लेने हैं, उनको वर्कआउट करना है। एंड देन सेकेंड टर्म प्लीज वर्कआउट विद द बेसिक्स। बेसिक्स पे काम की, बेसिक्स पे काम करेंगे तो यू बी एबल टू स्कोर। एंड देन स्टार्ट हैविंग अ रेगुलर सिटिंग टेबल। जी हाँ, स्टार्ट हैविंग अ रेगुलर सिटिंग टेबल बाय डूइंग अ मॉक टेस्ट सीरीज। By doing the mock test series, उसको वर्कआउट करना शुरू करें। आप mock test series करेंगे, उससे आपका level of confidence काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होगा, जो हमें help करता है किसी भी चीज़ को grab करने में। तो पहले इन चीज़ों को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आऊँगा कुछ नई चीज़ें लेके, जिनको वर्कआउट करने से आप पेपर को ईजिली क्रैक कर पाएंगे। तब तक जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक्स टू बी द सब्सक्राइबर एंड रियली शेयरिंग माय वीडियोस विद द पीपल। दोस हु आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बटन नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गोइंग टू हैव द नोटिफिकेशन व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो। टिल देन शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे